से आपको अपना बालकनी टूर करा रहे हैं। देख सकते हो आप मेरे स्टेयर्स के अंदर कितने ये प्लांट हुए हैं। ये देखिए, ये सारे मनी प्लांट्स मैंने इस तरह से लगाए हुए हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स में। देखो आप, ये कितना छोटा है और काफ़ी इसकी ग्रोथ हो चुकी है ऊपर तक। जो भी है इनको छोटे छोटे फिर जब बढ़ जाते हैं, मैंने यहाँ पे ये तीन चार यहाँ पे कील काढ़ी हुई है और इनसे ही ये आगे बढ़ाए हुए हैं। देखिए इस तरह से आप अपना वर्टिकल गार्डन बना सकते हो। ये देखिए, ये यहाँ से नीचे से आ रही है मनी प्लांट की। इसको ऊपर हमने इस पर लगा दिया है, देख सकते हो आप। ये क्रिसमस ट्री है, काफी बड़ा हो चुका है, छोटे से एक पॉट के अंदर ही काफी बड़ा हुआ है। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। देखिए ये सारे इस तरह के प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स को बहुत ऑक्सीजन देते हैं। जो आज मैंने थोड़ा वॉश किया, ये मेरा एरिका है और ये देख रहे हो आप मनी प्लांट। इधर मैंने स्टिकर्स लगाए हुए हैं स्टेयर्स के अंदर जो रिलेटेड टू नेचर है। ये भी मनी प्लांट है, सिंगोनियम लगा हुआ है नीचे, देख रहे हैं आप। नीचे भी एक मनी प्लांट लगाया हुआ है जो कि ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट करके ये और ऊपर वाले में लगा दिया है। जितना भी बड़ा हुआ है उसको आप डोरी से ऊपर कर दो, उसको बांधो आप, उससे और भी इसका वर्टिकल लुक आ जाता है। ये देख रहे हैं, ये वाला मनी प्लांट अलग, जो मॉन्स्टेरा बोस टाइप का है, तो इसकी पत्तियां जो है बाद में बड़ी हो जाती हैं। देखो बड़ी भी काफी हो जाती है और ये कटिंग कटिंग वाली आती है। ये देखिए सारी कट्स 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 आते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये छोटे छोटे मैंने प्लांटर्स के अंदर ये मनी प्लांट लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं काफी इसकी ग्रोथ हो जाती है। और यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है इस जगह पे, सनलाइट आती है आगे, इससे ये क्या होता है इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। सनलाइट भी आती है और इनको पूरी हवा मिलती है, और जिसकी वजह से ये जो मनी प्लांट है इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप देखो, ये भी देखो छोटे छोटे प्लांटर्स में ही लगाए हुए हैं मैंने एकदम। ये देखो ये अजमाइन का है, देख सकते हैं आप, ये छोटे छोटे ही हैं, ये सब देख रहे हो। ये हैं सदाबहार के, पर्पल कलर है ये। देखो पिंक कलर वाला है। सब ये छोटे छोटे प्लांटर्स के अंदर, ये देखो गेंदा है, ये वाला उग रहा है, ये मॉस रोज है, छोटे छोटे मैंने लगाए हुए हैं, देख सकते हैं। ये जेट प्लांट देखिए आप, ये इसको फुल सनलाइट मिलती है यहाँ पे, पूरे टाइम धूप आती, मतलब 2 बजे के बाद पूरी धूप आ जाती है यहाँ पे, करीब 1 बजे के बाद, जिसकी वजह से ये काफी अच्छा ग्रोथ करता है। देखो इसको मैं एक शेप देने वाली हूँ, पीकॉक की शेप आराम से आ जाएगी। ये देखिए, ये भी सभी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स में है, ये बॉर्नविटा के जो होते हैं बोतल्स उनमें ही लगाया हुआ है। ये देखिए ये कितना क्यूट है, आपको मैं पहले भी शायद इसको दिखा चुकी हूँ। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये।
इस तरह से आप बना सकते हो और उसे सजा सकते हो। छोटी बोतल के अंदर ही है ये। बोनविटा की बोतल को मैंने आधा आधा कट किया, आधा इधर लगा दिया, आधा इधर लगा दिया। ये भी इसी में से कट कर करके मनी प्लांट मैंने कटिंग से ही उगाए हुए हैं। ये थोड़ा पानी रखा है चिड़िया वगैरह के लिए। ये चिड़िया का मैंने घोंसला बना दिया एक। और अभी आप देख सकते हो, ये देखिए, ये गमला मैंने खुद ही बनाया था। और ये देखो ये कौन से कलर का है, लाइट पिंक। एक मिनट घास को सही कर दूँ। देख सकते हो अब, ये देखो ये सारे मेरे जो प्लांटर्स हैं, ये ऑयल केन से बनाए हैं मैंने। ऑयल केन से ही कितने सुंदर ये सब मेरे बने हुए हैं। ये छोटा सा मिनी गार्डन बनाया था, आपको दिखा ही चुके हूँ। ये सब ऑयल केन से बने हुए हैं। ये लेमन ग्रास, ये यहाँ मैंने छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है और इसमें बेलपत्र का लगाया हुआ है। ये शमी का है तो थोड़ा स्पिरिचुअल लुक उसमें। यहाँ इस एरिया में मैं पूजा करती हूँ। ये देखिए स्टिकर भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। यहाँ भी छोटे छोटे प्लांटर्स मेरे खुद के ही बने हुए प्लांटर्स हैं, ये आप देख सकते हो। ये पूरा स्टेयर्स में मैंने साइड में छोटे 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 प्लांटर्स लगा दिए हैं। ओके, अब बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में वापस से मिलेंगे। शाम को थोड़ा ज़्यादा उजाला रहता है, ये सुबह का टाइम है।